डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। प्रणाली का खेलना और खेल का सत्यानाश, कुछ ऐसा ही इन दोनों हो रहा है नगर निगम में। बिल्लुस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची भाजपा की पीड़ित महिलाएं आंसू बहा रही हैं। भीषण सर्दी की परवाह न करके वह कलेक्ट्रेट पहुंचकर सवाल कर रही हैं कि उन्हें आहत करने वाली घटना की रिपोर्ट योगी सरकार में क्यों नहीं रखी जा रही। भाजपा के जिला व महानगर अध्यक्ष भी हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर रोजाना नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही। दो बार महापौर बने हरिकांत आहलूवालिया ने घटना के तुरंत बाद ही नगर आयुक्त को कमेटी बनाकर जांच रिपोर्ट दो दिन में देने के लिए आदेश कर दिया, लेकिन महापौर भी यह भूल गए कि उस सदन की जांच का अधिकार नगर आयुक्त को नहीं है जिसके अधीन होकर वह काम करते हैं। नतीजा आज सामने आ गया। जिस रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर पा रही थी और जिस रिपोर्ट पर सभी की निगाहें लगी थी, आज उसे देने में नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने 5 दिन बाद हाथ खड़े कर दिए। नगर आयुक्त का कहना है कि नगर निगम अधिनियम उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता, यानी नगर निगम चलाने वाले नगर आयुक्त को 5 दिन बाद इसका पता चला कि और महापौर का तो पता ही नहीं चला। अब महापौर का कहना है कि वह अब खुद जांच समिति गठित कर जांच कराएंगे। साफ है कि अभी कुछ दिन और बेबस और आहत भाजपाइयों को अपनी ही सरकार में अपनी ही रिपोर्ट लिखाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि 30 दिसंबर को नगर निगम की बोर्ड बचत बैठक में भाजपा की महिला पार्षद रेखा सिंह के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया था कि गृह कर वसूली के लिए टीम हिंदू इलाकों में जाकर मिसबिहेव तो करती है लेकिन मुस्लिम इलाकों में नहीं जाती। बजट बैठक में हालांकि अन्य विषय पर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन नियम विरुद्ध इस सवाल पर यहीं से सवाल खड़ा हो गया। धक्का मुक्की हुई और फिर जमकर मारपीट, आरोप दोनों पक्षों पर है। महापौर हरिकांत आहलूवालिया ने तुरंत ही नगर निगम के आयुक्त को जांच कमेटी गठित करने व 2 दिन में रिपोर्ट देने के दनदनाते हुए आदेश दे दिए। दरअसल मामला सदन के भीतर का था और सदन के भीतर क्या हुआ इसकी जांच करने का अधिकार सदन मुखिया को ही है, नगर आयुक्त को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह खुद ही सदन के अधीन होकर कार्य करते हैं। यहाँ इस बात का उल्लेख भी अनिवार्य हो जाता है कि सदन चाहे कोई भी हो, नगर निगम, लोकसभा या विधानसभा, सदन के भीतर होने वाले शोर शराबे की जांच सभापति यानी महापौर द्वारा गठित कमेटी ही करती है, अन्य कोई नहीं। इसके अलावा पुलिस को भी तब तक भीतर जाकर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता जब तक कि सभापति ही उसे न बुलाए। पूर्व में महापौर शाहिद अखलाक ने तत्कालीन SP सिटी सत्येंद्र सिंह को सदन से यह कहते हुए बाहर निकाल दिया था कि आप भीतर कैसे घुसे हैं। सदन में बवाल के बाद ही SP सिटी वहां पहुंचे थे। तत्कालीन महापौर शाहिद अखलाक ने SP सिटी सत्येंद्र सिंह पर यह भी गंभीर आरोप चस्पा कर दिया था कि वह उनकी हत्या कराना चाहते हैं। बाद में SP सिटी ने शाहिद अखलाक के खिलाफ थाना देहली गेट में तस्करा भी डाल दिया था। यानी स्पष्ट है कि सदन के भीतर पुलिस को भी कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। यहां बात केवल सदन के भीतर की हो रही है। आज एक बार फिर से भाजपा महानगर अध्यक्ष सुरेश चंद्र देतुराज के नेतृत्व में भाजपाइयों ने SSP ऑफिस के बाहर रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर नारेबाजी की। जाहिर है कि इस नारेबाजी का कोई असर होगा, नगर निगम अधिनियम ऐसा कोई संकेत नहीं देता है। 5 दिन की आय बाय और दाएं चलने की कवायद करने और इसका नतीजा सुनने क्यों हुआ, इसकी पड़ताल करती है रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।